हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, जय माता जी। आई होप कि आप बहुत ही मजेदार होंगे। अपनी शक्ल देखकर तो पता चली गया मैं कितनी हैप्पी हूँ। खुशी का कारण क्या आपको मैं बाद में बताती हूँ। फिलहाल हम ना फटाफट रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज कुछ गजब तो होने ही वाला है यार। नाउ आई एम रेडी। आज 25 दिसंबर, बस यही है मेरी खुशी का कारण। नाताल नहीं यार, मेरी प्यारी मम्मी का बर्थडे है। बट अफसोस की मम्मा फैमिली फंक्शन एक अटेंड करने के लिए गई और मेरा पूरा प्लान की थी धज्जियां उड़ा दी मेरे भाई ने। इतना बड़ा पेट है पर एक बात ढंग की उसके अंदर टकती नहीं है यार। पर फिलहाल मैं ना अपनी सारे फ्रेंड्स लोग को भी बोल दिया है तो वो लोग आ रहे हैं। हम सीधा ना बड़ौदा सिटी जाते हैं जहाँ पे इनॉर्बिट मॉल है, बहुत ही गजब का डेकोरेट होता है और चर्च भी है। आई थिंक मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ शायद से, तो बने रहो वीडियो के एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ उसको उठाने के लिए। ऐसे ही मैं उसके घर पहुंची ना, उसके दादी और उसके पापा ना दोनों मेरे साथ मस्त बातें करने बैठ गए थे। मैंने थोड़ा सा मीठा हलवा खाया और उसके ना वाइट हेयर गिनते गिनते साईं बाबा के दर्शन किए और फिर निकल पड़े थे हम सीधा फतेहगंज जाने के लिए, जहाँ पे ट्रैफिक तो ज़्यादा ही लग रहा था और माहौल देखकर लग रहा था कि भाई नाताल की तो यहाँ पे सेलिब्रेशन होती ही है। और ये फतेहगंज एरिया एक ऐसा एरिया है हमारे बड़ौदा में जो एक सिटी एरिया गिना जाता है। जैसे मैं चर्च पहुंची ना भाई, पूरा चर्च ही बंद था। नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा दिया था तो मुझे अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं मिली, सो आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाई। फिर वहाँ से मैं सीधा गेंडा सर्कल चली गई थी और वहाँ से डायरेक्ट मैं इनॉर्बिट मॉल, जो कि बाहर से ही भाई इतनी गंदी भीड़। फिर हमारी गाड़ी चेकिंग हुई और सीधी मेरी नज़र ना यार पापा की परी पर पड़ी। पर हमने तो जैसे तैसे ना हमारी गाड़ी पार्क कर दी, बहुत ही गंदी भीड़ थी, पार्किंग एरिया पूरी तरह से फुल था। जैसे ही इनॉर्बिट के मेन गेट पर पहुंचे ना, वहाँ पर एक फोटोशूट के लिए थोड़ा सा लोकेशन सेट किया हुआ था और एंट्री गेट भी बहुत गजब तरीके से ना डेकोरेट किया था। अंदर जाते इतना बड़ा गिफ्ट था ऊपर और साथ में ये इतनी बड़ी ना क्रिसमस ट्री, जिसे देखकर ना मुझे बहुत मजा आया। और छोटा सा ना सेंटा क्लॉज भी लटका हुआ था, आई मीन सीढ़ी पे चढ़ कर रखा था ऐसा डेकोरेट करने के लिए। बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे शूट कर रहे थे, बस यार बहुत गंदी भीड़ होने लगी ना, इसीलिए हम दोनों सीधा ऊपर आ चुके थे। और बाकी सारे फ्रेंड्स लोगों ने ना एंड टाइम पर मना कर दिया, इसीलिए हम दोनों ही थे। बस पूरा मॉल घूम लिया और नीचे जो बंदे देख रहे हैं ना छोटे छोटे, उनके साथ मैं कुछ ऐसी मस्ती कर रही थी कि जो भी लड़की अपने फ़ोन यूज़ कर रही थी ना उसको जूम कर करके ना मैं ऊपर से देख रही थी। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला चल थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लेते हम भी। उसके बाद हमने थोड़ा सा ना और आगे गए तो बहुत सारी पापा की परियों दिखा दे रही, जो इतने छोटे छोटे कपड़ों में थी, जो कि ये मुझे बहुत गलत लगा था, बट जैसी जिसकी सोच यार। फिर हमने ना टाइम जोन में चले गए थे जहाँ पर बहुत मजा आया, सब लोग ना खेल रहे थे। एक्चुअली ना मैं अपना गेम कार्ड घर पर ही भूल गई थी, वरना हम दोनों भी खेलने वाले थे। फिर ना एक छोटी बच्ची मिली जिसके साथ हमने थोड़ी सी मस्ती की और ये चिल्लर वाला कुछ गेम था जो कि बहुत डिफरेंट लगा। अच्छा हुआ नोटों की बंदी लगी हुई थी तो हम भी खेल लेते यार। फिर शाम के ना 4 बज चुके थे, बहुत ही गंदी भीड़ हो गई थी और हमने सोचा चल अब निकलना पड़ेगा यहाँ से यार। निकलती ना एक दीदी के ड्रेस के ऊपर ना उनके प्राइस का टैग था जो कि उन्होंने निकाला ही नहीं था। फिर उसके बाद ना हम सीधा बाहर निकल चुके थे जहाँ पे जो रूट था ना इतना गजब का था यार, पूरी तरह से ना सेंटा के ही क्लोथ थे। बस यहाँ पे मैं अपना वड़ा पाव खाकर ना अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।